हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो फर्स्टली जो हमने पहले पढ़ा था, ट्रांसजेनिक मीनिंग हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम कोई जीन को मैनिपुलेट कराते हैं तो उससे वो ट्रांसजेनिक फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जब हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी पर्पज को लेकर, तो वो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बन जाते हैं। तो उसमें हम फर्स्टली ले रहे हैं यहाँ पर गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो है, इसका कलर जो है वो कैसा होता है? गोल्डन। ये कौन से कलर के राइस होते हैं? कलर इन गोल्डन, गोल्डन कलर में होते हैं राइस। इसके अंदर विटामिन ए की रिचनेस होती है, रिचनेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की रिचनेस होती है। और जो ये डेवलप्ड हुआ था, ये कहां पे डेवलप हुआ? स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड इन स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पर ये क्या हुआ था, इस इंस्टीट्यूट में ये डेवलप करा गया था। और इसके अंदर विटामिन ए की रिचनेस प्रेजेंट होती है और इसका कलर जो है वो क्या है? गोल्डन, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया गोल्डन राइस। तो इसमें जो रिचनेस है गोल्डन कलर की, तो इसके अंदर जीन प्रेजेंट होता है एक बीटा कैरोटीन। ये डैफोडिल प्लांट का होता है और इसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीटा कैरोटीन फॉर डैफोडिल, और क्या कहते हैं, सम जीन्स फॉर बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें बीटा कैरोटीन एक ही पिगमेंट हो गया, और इसके अलावा इसमें जो है, इसकी वजह से, इस बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस की वजह से इसका कलर गोल्डन और विटामिन ए की इसमें रिचनेस रहती है। और विटामिन ए की रिचनेस की वजह से ये क्या करता है, चाइल्ड ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, किससे प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट चाइल्ड ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए की रिचनेस है, जिसकी वजह से इसमें बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी आईज के अंदर प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये क्या हुआ उसका, आपका इसमें गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन कलर है इसलिए हमने इसको नाम दिया है गोल्डन राइस। फिर सेकेंड इसमें हम लेते हैं ट्रांसजेनिक बनाना। ट्रांसजेनिक बनाना, तो ट्रांसजेनिक बनाना जो है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का जो पोर्शन होता है वो इसमें एंट्रोटॉक्सिन जीन्स होते हैं ईकोलाई के। किसके जीन्स प्रेजेंट है इसमें? एंट्रोटॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन जीन है। किसके हैं इसमें एंट्रोटॉक्सिन जीन? ईकोलाई के, यानी कि इसके अंदर ईकोलाई के जो एंट्रोटॉक्सिन जीन्स हैं वो इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाना के अंदर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, ये एज ए एडिबल वैक्सीन बन जाता है और प्रोटेक्ट करता है डायरिया से। ठीक है, ये क्या हो गई, एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन होती है किसके लिए, फॉर एडिबल वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन चिल्ड्रन डायरिया। ठीक है, तो ये यहां पे डायरिया से क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है। तो ये एक ईडेबल वैक्सीन है और इसके अंदर कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं? एंट्रोटॉक्सिन। तो ये दोनों जो प्लांट हैं, गोल्डन राइस और ट्रांसजेनिक बनाना, तो इस पे जो है एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, पुटअप हो जाता है, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये।
तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा जीन किस बैक्टीरिया से लिया गया है। जैसे इसमें ट्रांसजेनिक बनाना में ई कोलाई का एंडोटॉक्सिन जीन लिया है, किस क्या है ये, एक एडिबल वैक्सीन है, किससे प्रिवेंट कर रही है उसको, बच्चों को डायरिया से। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन है और कुछ बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट है जो प्रिवेंट कर रहा है उसको चाइल्ड ब्लाइंडनेस से, क्योंकि विटामिन ए की रिचनेस होती है इसमें। तो ये अब इस ये हो गया हमारे गोल्डन राइस और ट्रांसजेनिक बनाना। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है ट्रांसजेनिक पोटैटो एंड टमेटो। तो ये जो पोटैटो एंड टमेटो प्लांट्स हैं, इसके अंदर कुछ वायरल कोड प्रोटीन जीन्स होते हैं जो इसको रेसिस्ट करते हैं किससे, वायरल इन्फेक्शन से, ताकि इस पे वायरस अटैक ना करे, और अगर वायरस अटैक करता है तो वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस ना हो और वो अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाए। तो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, वायरल कोड प्रोटीन जीन्स हो गए, ठीक है, वायरल कोड प्रोटीन जीन्स प्रेजेंट है जो इसको किससे रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस टू वायरल डिजीज, रेसिस्टेंस टू वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज से रेसिस्टेंट हुआ। अब कैसे हुआ इसमें, कि जो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक वायरल कोड प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस वायरल कोड प्रोटीन, जो क्या करेगा, वायरल कोड प्रोटीन क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है किसको, इन्फेक्टिंग वायरस को, है ना, क्या करेगा ये, इनहिबिट द एबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को इन्फेक्ट कर रहा है, और उससे क्या होगा कि जो उसका क्या नाम है वायरस है वो अपने कोट या अपने आप को क्या नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, टू शेड इट्स कोट एंड रेप्लिकेट। ठीक है, अगर इसमें वायरल कोड किसी भी पोटैटो या टमाटो में वायरल कोड प्रोटीन जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो जीन्स इस वायरल कोड प्रोटीन को बनाएंगे, जिससे कि इन प्रोटीन की वजह से वो प्लांट्स वायरल डिजीज से रेसिस्ट हो जाएगा। अगर उन पर वायरस अटैक भी करता है तो वायरस के अटैक होने पर ये प्रोटीन्स उसको क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन की एबिलिटी को इनहिबिट कर देगा, ताकि वो अपना कोट को शेड ना कर सके और वहां पर रेप्लिकेशन ना कर सके। तो जिसकी वजह से वहां पे वायरस का जो इन्फेक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा, वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये हुआ आपका कौन सा, ट्रांसजेनिक पोटैटो एंड टमेटो। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लेवर सेवर टमेटो। तो फ्लेवर सेवर टमेटो क्या होता है, जिसमें फ्लेवर भी मेंटेन रहे और उसका जो है रॉटिंग जो है क्या, खराब होना जो है वो भी क्या रहे, सेव रहे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेवर सेवर टमेटो। ये एक ट्रांसजेनिक टमेटो है। जैसे हमने अभी देखा ट्रांसजेनिक टमेटो, एक हमने वायरल इन्फेक्शन से ट्रांसजेनिक लिया। अब हम यहाँ पे इसकी राइपनिंग से प्रिवेंशन देख रहे हैं कि राइपनिंग को डिले कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाया हमने, टोमेटो प्लांट्स हैव बीन इंजीनियर्ड विद एन एंटीसेंस जीन्स दैट रिटार्ड राइपनिंग, दीज जेनेटिकली टोमेटो प्लांट्स आर कॉल्ड द फ्लेवर सेवर। तो एंटीसेंस जीन्स के इंजीनियरिंग के थ्रू जब हम राइपनिंग को रोक देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब इसमें मैं एंटीसेंस अभी आपको बताती हूँ। पहले आप देखिए कि ये क्या करता है ना, फ्लेवर सेवर टोमेटो तो क्या हमने बोला, एंटीसेंस जीन इंट्रोड्यूस करे तब जाके उसके अंदर राइपनिंग डिले हुई। इसके अलावा ये क्या करता है, अब जब ये फ्लेवर सेवर टमेटो है तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस लेस सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, जो सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं एंजाइम्स वो क्या करेगा, ये कम प्रोड्यूस करेगा, है ना, प्रोड्यूस लेस सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जो सेल वॉल को कम डिग्रेड करते हैं उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ये एक एंजाइम है जिस एंजाइम की हेल्प से जो सेल वॉल है वो इजीली डिग्रेड नहीं हो पाती है। अगर सेल वॉल डिग्रेड नहीं हो रही है तो ये राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटनिंग, ठीक है, राइटनिंग को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसको जो है खराब होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. अब दूसरी चीज, एक पॉइंट हमने ये ले लिया कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो कि सेल वॉल को डिग्रेडिंग से बचा रहे हैं. फिर हम इसमें सेकंड चीज लेते हैं कि इसकी राइटनिंग को डिले करने के लिए हम क्या कर, इसमें क्या करा जाता है, जो ACC डीएमिनेज जीन्स होते हैं इसमें, ACC डीनाइट्रेज जीन होते हैं वो इसके अंदर यूज करे जाते हैं जिससे कि राइटनिंग क्या हो जाए, डिले हो जाए. तो ये क्या होगा, ये क्या कर रहा है, डिले राइटनिंग, फॉर डिले राइटनिंग. राइटनिंग के लिए क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रोड्यूस करा जा रहा है, प्रोड्यूस्ड जीन्स ACC डीनाइट्रेज, ठीक है, ये जीन्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको डिले कराने में हेल्प कर रहे हैं. तो यहां पे हमने बोला कि राइटनिंग को डिले करने के लिए यहाँ पे एक साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, ACC डीनाइट्रेज जीन्स जो होते हैं ये राइटनिंग को क्या कर देता है, डिले कर देता है. जितनी राइटनिंग डिले होगी उतना फ्रूट जो होता है, टमाटो जो होते हैं बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है, जो क्या होता है जल्दी ज्यादा राइप हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो रॉट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है. तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए कि उसकी राइटनिंग भी सही हो जाए और वो जो फ्रूट है वो जल्दी से रॉट भी ना हो, खराब भी ना हो, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या करा जाता है, ACC डीनाइट्रेज जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि राइटनिंग डिले हो सके. एक चीज हमने बोली कि ऐसे एंजाइम्स को कम फॉर्म करा जाता है जो सेल वॉल को डिग्रेड कर रहा हो, यानी कि पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को हम कम प्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो राइटनिंग को राइटनिंग तो कर दे लेकिन सेल वॉल जल्दी से डिग्रेड ना हो, है ना. अगर सेल वॉल जल्दी डिग्रेड होगी तो क्या होगा, फ्रूट के रॉटिंग जल्दी हो सकती है. तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, पैक्टिन जो होता है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है. जब पैक्टिन डिग्रेड होती है तो क्या होगा, सेल वॉल जल्दी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको ये रोकता है. जो ये फ्लेवर सेवर टमाटो है इसके अंदर इस टाइप के एंजाइम्स को कम प्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो पैक्टिन को क्या की जो डिग्रेडिंग पावर है उसको कम कर दे और सेल वॉल क्या हो जाए, सेल वॉल का डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो जाए. अब दूसरी चीज हमने देखी कि इसमें ACC डीनाइट्रेज जीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि फ्रूट की राइटनिंग क्या हो जाए, डिले हो जाए, है ना, जल्दी राइटनिंग को रोका जा सके. तो ये जो है, इसके अलावा अब ये क्या होता है कि इसमें अब हम बोल रहे हैं एंटीसेंस. मैंने एक चीज यहाँ पे बोली थी एंटीसेंस जीन्स. अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहले एंटीसेंस जीन्स क्या होता है, क्योंकि एंटीसेंस जीन की वजह से क्या होता है, फ्रूट राइटनिंग को हम डिले करा रहे हैं और उसका जो फ्लेवर है वो मेंटेन कर रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जो RNA है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है. तो सबसे पहले जो ये RNA है ना, ये एक RNA है, इस RNA का कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो उसके इसमें जो कोडिंग्स होंगी, बेस होंगे, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे और उससे एक RNA बनेगा, वो होगा mRNA, लेकिन ये कैसा होगा, एंटीसेंस. ये हो गया एंटीसेंस, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है. तो ये जो एंटीसेंस RNA है ये ट्रांसलेशन को प्रमोट नहीं कर सकता, इसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक रहा है. तो ट्रांसलेशन का रुकना मतलब क्या हुआ, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन रुकना. और प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और अगर वो एंजाइम राइटनिंग के रिलेटेड है तो वो एंजाइम का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो राइटनिंग क्या हो गई, डिले हो गई, ठीक है. ये होता है एंटीसेंस. अब क्या होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, ज्वाइंट होके नॉर्मली हमने क्या वो नॉर्मली जनरली या नॉर्मली आप बोल सकते हो कि RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ज्वाइंट होके क्या बना देते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA.
ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो वो प्रोटीन नहीं बन रहा तो इसका मतलब है एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यानी कि जब ये एंजाइम नहीं, जो फ्रूट राइपनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जब वो एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रूट राइपनिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये आर्टिफिशियल जीन्स जो है वो क्या नहीं कर पा रहे, ट्रांसफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और फ्रूट राइपनिंग रुक रही है, और जिसकी वजह से क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, जो इथाइलिन प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आया इससे, रिजल्ट इनहिबिशन ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन, जब इथाइलिन का प्रोडक्शन यहां पर रुक गया तो क्या हुआ, इथाइलिन का काम क्या है, इथाइलिन एक हार्मोन होता है जो फ्रूट राइपनिंग करता है, तो जब इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फ्रूट राइपनिंग रुक गई, फ्रूट की राइपनिंग रुक गई, तो फ्रूट की राइपनिंग रुकने से क्या हुआ, यहाँ पर जो है उसका फ्लेवर मेंटेन रहा, और जितना जल्दी राइप होगा उतना ज्यादा जो फ्रूट है उसकी रॉटिंग का डर रहता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको फ्लेवर सेवर, यानी कि उसका फ्लेवर को हमने क्या करा, सेव कर लिया, किसके थ्रू करा, एंटीसेंस जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंटीसेंस जीन्स को प्रोड्यूस करा के, एंटीसेंस जीन क्या बोले हमने कि एक आरएनए का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं एंटीसेंस आरएनए। जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट होकर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुआ, एंजाइम्स नहीं बना, तो फ्रूट राइपनिंग नहीं हुई, और एंजाइम की वजह से थायलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो फ्रूट राइपनिंग नहीं होने से क्या हुआ, फ्रूट राइपनिंग डिले हो गई है, और फ्रूट राइपनिंग के डिले होने से क्या हुआ, उसका फ्लेवर मेंटेन रहा और वो फ्रूट सड़ने से बच गया, रॉटिंग से बच गया, प्रिवेंट हो गया, किससे, प्रिवेंट रॉटिंग, ठीक है। तो ये होता है फ्लेवर सेवर टमेटो, इंपॉर्टेंट है ये, स्पॉइलेज और रॉटिंग से ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मैं यहां लिख देती हूं, यहां लिख रही हूं, फॉर प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड रॉटिंग, ठीक है, यानी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि रॉटिंग और स्पॉइलेज से ये प्रिवेंट होता है, ये जो ट्रांसजेनिक टमेटो है फ्लेवर सेवर। तो ये पूरी वीडियो आप वॉच करिएगा एंटीसेंस आरएनए की, एक में और बाद में आपको वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप वीडियो पूरी वॉच करिएगा, और कोई भी डाउट है अगर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे मेरी देखने के लिए। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।